हमारा छोटा सा नाटक है वो बालिका शिक्षा का है, उसको आप देखिए और सभी शिक्षा ध्यान बहुत बढ़िया बहन जी नमस्कार। राम राम। ठीक है आप? ठीक है। क्या मेरे से बात हो गया? अरे नहीं, अरे आपसे बात करनी थी। काहे? वो आपकी छोटी बेटी है ना, ये छोटी बेटी है आपकी, हमने सुना है विद्यालय नहीं जाती है तो आप इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ने के समय में आइए घर में खेलते रहती है, तो हम ये सोच रहे थे कि इसका दाखिला विद्यालय में कर दिया जाता तो अच्छा होता। कहाँ रहेगी पढ़ लिख के? ये आज गोबर तो फेंकेगी रास्ते तनिक से। बहन जी देखिए, ये इसके शिक्षित नहीं होने का कारण है। कैसा कर रही? देखो, अगर आप इसको शिक्षित करेंगे ना तो ये बहुत सारी चीजें सीख जाएंगी। अगर आप इसको विद्यालय भेजेंगे, पढ़ना सीखेंगे, खड़ा होना सीख जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे विद्यालय नहीं भेजेंगे ना, तब ये देखिए कैसा कर रही है। हमारी बिटिया सही है, हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बिटिया को। अरे हम आपकी बिटिया सही नहीं है तोड़ना करे, आपकी बिटिया सही है और सही हो जाएगी। हम नहीं पढ़ाते इनको। देखिए जी, सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शिक्षा के लिए चलाए हैं। आजकल पढ़ाई का साधन फ्री है, भोजन फ्री मिल रहा है और साथ में साइकिल भी फ्री मिल रही है बालिकाओं के लिए। कार बना देगी हमारी बिटिया को। अपना तो देखो लोगो, अपना तो ये पैदल आ रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं ये मास्टर मास्टर में। अपना तो पैदल आ रहे हैं और हमारी बिटिया ऐसा कह रहे हैं साइकिल मिलेगी। बताओ कितना झूठ, हमें नहीं पढ़ाना अपनी बिटिया को। अच्छा ठीक है बहन जी, फिर भी आप एक बार सोच लीजिएगा, ये जो आपकी बच्ची अभी जैसी है लिख पढ़ लिख करके कुछ कर लेगी, आने वाले समय में उसके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ाना। ठीक है बहन जी, चलो राम 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 राम। आ जाते कहाँ कहाँ से बताने की कर देते होता ही। राम 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 राम। कुछ नहीं जी, आज क्यों आए थे? दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। हमारी बिटिया आज जानती हो ये पढ़ लिख के लड़कियाँ क्या कर रही है? आपकी वो प्रधान की बेटी है ना, वो क्या कर रही है? वो ईपीएस क्या कहते हैं, बी एड। अच्छा सही, सुबह से चले जाती है घर से, घर का कुछ काम भी नहीं करती। कपड़े देखो उसके। अच्छा देखो हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारी बिटिया तो बिगड़ जाएगी। बहुत ही सीधी बिटिया हमारी तो भैया। राम 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 राम। आपके घर में बच्चे बच्चे हैं क्या? हमारी बिटिया है। क्या स्कूल जाती है पढ़ने? स्कूल ना जा,
ना जाती ना, घर में काम करा। आप स्कूल में नहीं भेजते उसे? नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाओगे? काम कौन करेगा हमारे? तुम काम करने की वजह से बेटी का भविष्य खराब कर दोगे। अरे हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारी बेटियाँ बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी? और भी बेटियाँ नहीं है? हम नहीं पढ़ाएंगे। गाँव में ऐसे कई परिवार होंगे, ऐसे बहुत सारे परिवार है। क्या ग्रुप में जाए कि अलग अलग समूह बना ले, घर घर जाकर के ऐसी जानकारी करते हैं कहाँ बालिकाएं अनपढ़ हैं, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा सुन लो। हमारी बिटिया ना देखी उन्होंने जो तूने मुझे पढ़ाया ही नहीं। देखो रे लोग यहाँ के ध्यान पहले काका ना दियो, टीवी जाती है। अच्छा तो क्या सोच रहे हो इसके बारे में, स्कूल भेजोगे?
सोचेंगे आप क्या करेंगे। एक मिनट चाची बात करता हूँ, मेरा कॉल आ रहा। हेलो हेलो हेलो, सो गया लगता है। हेलो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, सो जाते हैं फोन करके। हाँ तो चाची मैं कह रहा था कि कल ही गाँव में गोष्ठी हुई, तो गोष्ठी में ये बात हुई कि इसको सरकार बहुत योजनाएं चला रही है और तुम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो, घर मत रखो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं समझा जा रहा हूँ, बिल्कुल सोचो इस बारे में। ठीक है चाची, हाँ अभी चलता हूँ। हाँ राम राम। चलो भी चाची, भूल गया क्या आप? ध्यान रखो या आए तुम पढ़ो। हाँ चाची, हाँ ठीक है। नमस्कार बहन जी। आपने सोचा पढ़ाई के, इसको पढ़ाने के विषय में क्या सोचा आपने? हम सोच रहे हैं आई को पढ़ाए। अब आपको क्या को? अरे मैं आपको इतने बार आकर के बता रही, आपकी ये बिटिया देखो कितनी परेशान है। अगर इसको आपने शिक्षा दी होती, आज ये अपनी देवरानी जेठानी उनके बारे में हमें भी बता रही थी, ऐसी ऐसी नौमत नहीं आती और ये देखना नहीं पड़ रहा। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप इसके साथ जैसा किया है, इसके साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि जो आज ये आपको ये दिन देखना पड़ रहा है इनके लिए, और वैसा ही इसके साथ ना हो, इसलिए इसके भविष्य के बारे में सोचते हुए आप इनको विद्यालय भेजिए। और आपको पूरी जितनी भी सुविधाएं विद्यालय से प्राप्त होंगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बहन जी? ठीक है। स्कूल आओगी ना? हम आओगी ना, अपने बिटिया को पढ़ाएंगे। मास्टर जी, मास्टर जी हमको माफ करिए, हमने बहुत ही गलत बोला आपसे। कोई बात नहीं बहन जी, आप अपनी बेटी को शिक्षित स्कूल जाएगी, स्कूल जाएंगे, हम कल लत्ता कपड़ा लाएंगे, जूता लाएंगे, बैग लाएंगे। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते सैतान